सेकेंड हेडिंग इज मैन मेड थिंग्स. मैन मेड थिंग्स मीन्स जो चीज़ें इंसान ने बनाई हैं. थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. जो चीज़ें लोग बनाते हैं, इंसान बनाता है, थिंग्स मेड बाय मैन. जो चीज़ें इंसान बनाता है, यहाँ मैन का मतलब इंसान है, ठीक है, वो चाहे मैन हो या वुमेन हो, लेकिन यहाँ जब मैन लिखा है इसका मतलब इंसान. तो थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, कि जो चीज़ें इंसान बनाता है उनको मैन मेड थिंग्स कहा जाता है. दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. नेचर हमें जो चीज़ें देती है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें मैन मेड होती हैं, जो इंसान बनाता है, वो सब नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है. जैसे नेचर ने हमें जो सन मून स्टार्स दिए हैं, ये नॉन लिविंग है, ये अपने, ये इनके अंदर जान नहीं है, सॉइल है इसके अंदर जान नहीं है, लेकिन जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो लिविंग थिंग्स हैं, उनके अंदर जान है. लेकिन जो भी चीज़ें इंसान बनाता है वो सब नॉन लिविंग होती हैं, जैसे कार, बस, टॉयज, बुक्स, मशीन एक्सेट्रा. तो ये सब चीज़ें इंसान बनाता है ना, ये सब नेचर नहीं बनाती है, है ना. कार, बस, ये सब चीज़ें इंसान अपनी ज़रूरत के लिए बनाता है, अपने कंफर्ट के लिए बनाता है, तो इन सब में जान नहीं होती है. जितनी भी चीज़ें यहाँ लिखी हैं देखो, कोई भी चीज़ में जान नहीं होती है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, बस, कार, मशीन एंड टॉयज, ठीक है. तो आज आप लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी, नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स. नेचुरल थिंग्स मीन्स जो हमें नेचर देती है वो नॉन लिविंग भी हो सकती है, लिविंग भी हो सकती है, और मैन मेड थिंग्स जो कि केवल नॉन लिविंग होती है, जो इंसान बनाता है वो सारी चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं. ओके, अब यहाँ पर दो छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर हमें देने हैं. नेम थ्री नेचुरल एंड थ्री मैन मेड थिंग्स इन योर क्लासरूम. अपने क्लासरूम के अंदर आपको थ्री नेचुरल और थ्री मैन मेड थिंग्स बतानी है. तो क्लासरूम में सोचो कौन कौन सी चीज़ें नेचुरल हो सकती हैं और कौन कौन सी मैन मेड हो सकती हैं, ठीक, बताओ जरा मुझे, सोचो. जो हमारी क्लास में, क्लासरूम के अंदर जो सनलाइट आ रही है ना, धूप आती है ना क्लास में कभी कभी, वो नेचुरल थिंग है. जो हमारी क्लास के अंदर एयर है वो नेचुरल थिंग है. जो हमारी बॉटल्स में पानी रखा हुआ है वो नेचुरल थिंग है ना. और मैनमेड थिंग्स, जितने भी हमारी क्लास में फर्नीचर है, ब्लैक बोर्ड है, डस्टबिन है, बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, वो सारी मैनमेड थिंग्स होती हैं, ठीक है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज डू मैन मेड थिंग्स नीड फूड टू लिव, कि क्या मैन मेड थिंग्स को जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि मैन मेड थिंग्स तो नॉन लिविंग होती है ना. तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो तो खाना नहीं खाती, उनको जिंदा रहने की कोई ज़रूरत, वो उनके अंदर जान ही नहीं है, तो वो लोग जिंदा कैसे रहेंगी? तो जब उनके अंदर जान नहीं है तो उनको खाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और आप लोग अच्छे से बुक की रीडिंग करके उसको रिवाइज करेंगे जो मैंने बताया है, ठीक है. ओके.